हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जो कि 126 होता है इन द नंबर्स। एंड इसमें देखते हैं कौन कौन सा पार्ट इंक्लूडेड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं बोन फॉर द फोर लिम्स, बोन ऑफ द फोर लिम्स मीन्स हैंड का बोन बोलते हैं, हाथ का अपना जितना बोन होता है उसको फोर लिम्स बोलते हैं। ठीक है, फोर लिम्स बोलते हैं इसको। तो ये देखते हैं टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ईच लिम्स में कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 30 नंबर में होते हैं ईच लिम्स में, ईच में हर हर एवरी मतलब ईच फोर लिम्स में होता है 30 बोन होता है। ठीक है, इसमें नंबर काउंटिंग करते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा बोन कौन सा पार्ट में आते हैं, कितने नंबर्स में होते हैं। ह्यूमरस देखते हैं, ह्यूमरस में कितने होते हैं, 1 इन नंबर्स में होता है। ठीक है, वन इन नंबर्स में होता है। रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना दोनों मिलाकर 2 होते हैं, दोनों मिलाकर कितने हो 2 हो गए रेडियस एंड अल्ना। कार्पल कितने हो गए, कार्पल इन नंबर्स में 8 हो गए। मेटाकार्पल कितने हो गए, मेटाकार्पल 5 नंबर्स में हो। फ्लेंजेस कितने हो गए, फ्लेंजेस हो गए 14 इन नंबर्स में हो गए। ठीक है, ये रहा अपना बोन ऑफ फोर लिम्स का। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन बना के देखते हैं कि कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर एक नॉर्मल बनाते हैं अपन तो ये क्लेविकल बोन हो गया, जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, क्लेविकल बोन हो गया। इसके नीचे स्कैपुला होता है। ठीक है, स्कैपुला प्रेजेंट हो गया। ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस हो गया ये अपना हाथ का हड्डी। ठीक है, ह्यूमरस। उसके नीचे आते हैं रेडियस बोन हो गया, कितने हो गए रेडियस बोन 1 हो गया, 1 इन नंबर्स में हो गए, ये 1 हो गए। अल्ना भी कितने हो गए, अल्ना हो गया 1 इन नंबर। ठीक है, अल्ना 1 हो गया। कार्पल कितने हुए, कार्पल 8 इन नंबर्स। कार्पल जो ये रिस्ट रोटेशन रहता है, कार्पल होता है। ठीक है, 18 नंबर्स में हो गए। मेटाकार्पल कितने, मेटाकार्पल 5 नंबर्स। मेटाकार्पल कितने हो गए, 5 इन नंबर। फ्लेंजेस कितने हो गए, फ्लेंजेस 14 हो गए। फ्लेंजेस कितने हो गए, 14 हो गए इन नंबर्स में। ह्यूमरस कितना हो गए, 1 इन नंबर। राइट डाउन, नेक्स्ट देखते हैं बोन ऑफ हैंड लिम्स, लेग्स का लिम्स कितने होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्स, लिम्स पैर का बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ ईच लिम्स कितने, 30 कितने, 30 इन नंबर में हो गए। कौन कौन से होते हैं इसके पार्ट देखते हैं। फ्यूमर्स हो गए, फ्यूमर्स में कौन कितने नंबर हो, 1 हो गए, फ्यूमर्स में 1 हो गए। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला 2 इन नंबर्स। मेटाटार्सल कितने हो, 5 इन नंबर्स हो गए। पटेला जो अपने घुटनों की हड्डी रहती है, ठीक है, वो 1 इन नंबर। टार्सल कितने हुए, 7 इन नंबर्स। फ्लेंजर कितने हुए, 14 इन नंबर्स में हो गए। फ्लेंजर कितने हुए, 14। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा बोन है यहाँ पर। ये कोक्सल बोन कहलाता है, ये जो पार्ट है कोक्सल बोन होता है। ठीक है, ये कोक्सल बोन हो गया है। ये इस्चिमस हो गया, ये प्यूबिस हो गया। ठीक है, यहाँ से प्यूबिस हो गया, ये पार्ट जो होते हैं इस्चिमस हो गया, प्यूबिस हो गए, एंड ये पार्ट हो गया इलियम। इलियम कौन सा पार्ट हो गया, ये ऊपर की पार्ट हो गई, इलियम हो गया। फीमर कौन सी बोन हो गई, ये हो गई। ठीक है, पटेला जो घुटनों की हड्डी रहती है वो पटेला। ठीक है, उसको देखते हैं ये कितने नंबर्स में होते हैं। ठीक है, ये टिबिया हो गया, कौन सा टिबिया, फिबुला। ठीक है, टार्सल हो गए मेटा टार्सल एंड फ्लेंजर्स। ये रफ डायग्राम एक बनाकर अपन देख सकते हैं, उसको याद करने का तरीका है। फीमर कितने हो गए, 1 इन नंबर्स। ठीक है, टिबिया एंड फिबुला दोनों को मिलाकर टिबिया 1 एंड फिबुला 1। ठीक है, 2 इन नंबर्स हो गए। पटेला कितने हो गए, 1 इन नंबर। टार्सल कितने हो गए, टार्सल 7 इन नंबर्स, 7 हो गए। मेटा टार्सल कितने हो गए, 5 इन नंबर्स। फ्लेंजर कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम अपन देख सकते हैं बनाकर उसको समझने के लिए।
और एक देखते हैं एक और पार्ट आता है फीमर। फीमर ये ऐसा बोन होता है बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन कौन सा होता है, फीमर होता है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट बोन होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड हैवीएस्ट बोन होता है बॉडी का। बॉडी का कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट बोन कौन सा होता है, फीमर होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, राइट डाउन।